मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग हुई है। यह हमला सिंगर के कनाडा स्थित वैंकूवर वाले घर पर हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाबी फिल्म स्टार गिप्पी ग्रेवाल और करण औजला के कनाडा वाले घर पर फायरिंग हो चुकी है। सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली थी, जिसके बाद अब एपी ढिल्लों के वैंकूवर स्थित घर पर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी भी तुरंत लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ले ली है। आपको बता दें कि एपी ढिल्लों के घर के पास फायरिंग की आवाजें सुनी गई थी। अब तक इस मामले में अमृतपाल सिंह ढिल्लों यानी कि एपी ढिल्लों की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी रोहित गोदारा की इस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि एक मैसेज जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1 सितंबर की रात को एपी ढिल्लों के दो ठिकानों पर फायरिंग की गई। एक हमला विक्टोरिया आइलैंड स्थित आवास पर हुआ तो वहीं उनके टोरंटो के वुडब्रिज स्थित घर पर भी फायरिंग हुई है। गैंग ने धमकी देते हुए एपी ढिल्लों से कहा कि यह मामला सलमान खान से उनकी दोस्ती के चलते किया गया है। यही नहीं, उन्होंने धमकी देते हुए ये भी कहा कि वो सलमान खान से दूर रहें और अपनी हदें पार ना करें, नहीं तो उन्हें भी मौत के घाट उतारा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने ही एपी ढिल्लों का नया गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ था, जिसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और संजय दत्त नजर आए थे। सलमान खान ने इस गाने की छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी, जिसमें खान और एपी ढिल्लों जबरदस्त एक्शन अंदाज में नजर आ रहे थे। ऐसा ही एक मामला पिछले साल भी सामने आया था, जब एक फेमस पंजाबी सिंगर का गाना सलमान खान ने रिलीज किया था, जिसके बाद कनाडा में ही वैंकूवर में उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि उस सिंगर की सलमान खान के साथ दोस्ती है, इसी वजह से हमने उसके घर पर फायरिंग की है। यानी कि कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के उन करीबियों को निशाना बना रही है जो या तो पंजाबी सिंगर हैं या फिर उनका कनाडा से कोई ना कोई ताल्लुक है। आपको बता दें कि सलमान खान के भी मुंबई स्थित घर पर फायरिंग हुई थी और उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। यही नहीं, बिश्नोई ग्रुप का ये भी कहना था कि हिरण को मारने के चलते हम सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। फिलहाल कनाडा की एजेंसियां वायरल पोस्ट की जाँच कर रही है, जिसमें हमले का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा मोगाई वारदात से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गेट के बाहर जो है ये तस्वीर खास तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल कनाडा की एजेंसियों की ओर से हमले की पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि 10 जनवरी 1993 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे एपी ढिल्लों एक मशहूर पंजाबी सिंगर है। उनके गाने ट्रू स्टोरीज और वीडियो ने भी उनकी लोकप्रियता में खासा इजाफा किया है।